एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कल के हिसाब से आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल रात को हम एकदम अच्छे तरीके से काढ़ा पिए थे, झंडुबाम वगैरह लगा के मस्त अच्छे से सोए थे। तो अभी थोड़ा सा गला थोड़ा सा ठीक है, अभी थोड़ा सा जोर से बोल सक रहा हूँ। और कल जैसे कि मैं आप लोगों को ये भी बोला था कि आज दो जगह प्रोग्राम है, एक नाना के घर पे प्रोग्राम है और एक घर के साइड में प्रोग्राम है। तो अभी मस्त देखिए रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं और मम्मी निकलने वाले हैं नाना के घर पे, क्योंकि उनके घर पे अभी प्रोग्राम है, शायद बारसा बोलते हैं। उमा की प्रोग्राम का है और हिंदी थे अन्नप्राशन का प्रोग्राम है। मेरी मौसी को लड़की हुई ना, तो उसको पहली बार अभी खाना खिलाने वाले हैं, तो सबसे पहले वहां जाएंगे प्रोग्राम में, अभी छे ना वो, इसलिए फिर यहाँ साइड में घर वस्तु है, तो साइड के प्रोग्राम में अपन शाम में भी जा सकते। तो सबसे पहले कृष्णा नगर जाते हैं मैं और मम्मी, वहां का प्रोग्राम अटेंड करके आते हैं, फिर यहाँ आते हैं। तो पूजा का भी प्रसाद खा लेते हैं राइट हैंड से। जी की अच्छा, आज प्रसाद में था देखिए कटहल, वाह ये पहली बार देख रहा हूँ कि प्रसाद में कटहल दिए है। सबसे मेन गाइस, गमछा बांधना जरूरी है, पूरे चेहरे में गमछा बांधना जरूरी है, नहीं तो बाहर की आज भी देखिए कितना भयानक धूप है बाहर। चेहरे पे अभी गमछा बांध लिया और निकलते हैं अभी। ये रही अपनी गड्डी। फाइनली गाइस कृष्णनगर पहुंच गए नाना के घर पे। घर में पहले से ही अन्नप्राशन का पूरा सेटअप लगा हुआ था और देखिए यहाँ पर सारे मेहमान लोग पहले से ही आके हाजिर थे, मामा जी भी हाजिर थे यहाँ पर, क्योंकि मामा जी के हाथ से ही अन्नप्राशन का प्रोग्राम होता है और मामा जी के हाथों से ही फर्स्ट टाइम अपने भांजी को खाना खिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मामा भी रेडी हो चुके थे और थोड़े ही देर पे भांजी को लेके आए, जो कि मेरी छोटी बहन है, और काफी सारे लोग काफी सारे गिफ्ट्स दे रहे थे, कोई चेन दे रहा था, कोई कान की बाली दे रहे थे। मौसी जी के लड़की का अन्नप्राशन का प्रोग्राम हो रहा था और मौसी जी खुद अपने हाथों से अपने लड़की को देखिए खीर खिला रहे थे और मस्त पूजा कर रहे थे। ये सीन देख के मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी आगे प्रोग्राम कैसे होता है आप लोग देखते रहिए पूरा। तो फाइनली मेरी मम्मी ने भी मेरी छोटी सी बहन को खीर खिला दिए थे और मेरी मम्मी के हाथों भी उसका अन्नप्राशन हो चुका था, लेकिन थोड़ी देर बाद छोटी सी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, फिर रोना धोना चालू कर दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बैठी हुई थी ना, काफ़ी सारे लोग उसका अन्नप्राशन कर रहे थे। वो छोटी सी बच्ची है ना, तो उसको कुछ समझता नहीं है और उसको बहुत गर्मी लग रही थी, जिसके कारण वो रोना चालू कर दी थी और बहुत ज़्यादा रोना चालू कर दी थी लास्ट तक। तो गाइस अभी दिन के 1:30 बज रहे और देखिए पूरा अंधेरा हो गया है, बारिश चालू है, जोरदार बारिश चालू है। मेरी तो काफी तबीयत खराब हो गई है गाइस, फिर से बुखार हो गया है, खांसी फिर से, लेकिन यहाँ पर बारिश देखिए कितना खतरनाक चालू है। थोड़ा सा काम करो, अगर आरती आई ना, 1:30 बज रहे हैं गाइस दोपहर के, तो गाइस खतरनाक बारिश चालू है बहुत ज्यादा। फिलहाल तो गाइस कृष्णा नगर से हम आ चुके हैं घर पे, मैंने मम्मी को घर पे छोड़ दिया और जो दूसरा प्रोग्राम है घर वास्तु का वो शाम को होने वाला है, तो तब तक हम घूम फिर लेते थोड़ा सा। अभी तो फिलहाल मैं शुभ मैया की दुकान पे हूँ और देखिए मस्त वो काउंटर के ऊपर बैठे हुए हैं। काउंटर के ऊपर बैठे तो धंधा होता बोलते है। अभी घूम फिर के घर आ गया हूँ और अभी जल्दी से और अभी बस हाथ पैर वगैरह धो लिया हूँ, मस्त फ्रेश हो गया हूँ, फिर से रेडी होते हैं, क्योंकि घर के साइड में अभी और एक प्रोग्राम है। मैं आप लोगों को बोला हूँ ना कि घर का वास्तु है, तो ठीक है अभी चलते हैं, रेडी होते हैं जल्दी से रेडी होना क्या, जो सुबह हुए थे वही रेडी होंगे, तो ठीक है अभी चलते हैं। हमारे घर के साइड में वास्तु हो रहे हैं ना, वाह। मैं और धम्मा तो आ गए अभी प्रोग्राम में, ये रहा धम्मा, हम अभी ऊपर के फ्लोर पे, नीचे के फ्लोर पे यहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम। देखिए दो
लोग दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा भीड़ है नीचे, बहुत ज्यादा गाइस। गुलाब जामुन भी है वहां से एंट्रेंस है, यहाँ से आए हमने, तो इतना भीड़ है ना, इसलिए सोचा कि ऊपर आके ये वाला व्लॉग बना दे। ऊपर का फ्लोर बस इतना ही बना हुआ है, नीचे का फ्लोर पूरा बनके है। ये घर के एकदम वो साइड में हमारा घर है, एकदम चिपक के है इनका घर और हमारा घर, पूरा चिपक के। अभी आपको दिखाओगे छत के ऊपर से जाके दिखा। नहीं नहीं अभी यहाँ पे बैठे खाना खाने वाले हैं। हाँ यहाँ अभी रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है पूरा। ये देखिए लोग कितने हैं ना गाइस, की क्या बोलू, बहुत खचाखच भरे हुए है लोग। पैर रखने के लिए जगह नहीं थी सही में, इसलिए ऊपर आए। बहुत गर्दी है। फाइनली आ चुका हूँ घर दोनों प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, लेकिन एक चीज मुझे ये मेंशन करना था कि आज मेरा फिर से तबीयत खराब हो गया था। दोपहर में हम जब कृष्णा नगर में गए थे ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा बुखार आया था और गला दर्द भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन मेरे मामा ने मेडिकल से दवाई वगैरह लेके आए, उनका मेडिकल ही है खुद का, तो ये दवाई वगैरह लेके आए थे, तो मस्त वहां पर खाया दवाई तो फिर ठीक हो गया। और दवाई मैं बस घर पे भी लेके आया, वहां रखा हुआ है, कफ सिरप वगैरह भी दिए। अभी खाना वाना वहां से तो हम खा के आ गए प्रोग्राम से, फिर घर पे आके दवाई खा लिए। तो गाइज आज मस्त दिन भर में हम प्रोग्राम ही अटेंड किए। दिन में तो हम नाना के घर पे गए थे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, अन्नप्राशन का प्रोग्राम था, और शाम को यहाँ पर प्रोग्राम था घर के साइड में, जो कि घर वास्तु का प्रोग्राम था। तो दोनों भी प्रोग्राम मस्त हुआ, बहुत मजा आया आज दोनों प्रोग्राम अटेंड करने के बाद। तो इसी तरीके का रहा गाइस आज का दिन। अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी ये वाले व्लॉग को एडिटिंग करना है, अपलोड में लगाना है। तो ठीक है गाइस, अभी ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा। नए लोग अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे होंगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो ठीक है गाइस, अभी मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।